लेकिन अब थोड़ी सी सख्ती ज्यादा हो गई, जो लोग विजिट पे आ रहे हैं ना उनसे दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन पूछी जा रही है। तो ये सब चीज पहले भी थी लेकिन कहीं फिर जो है ना ये चीजें हल्की पड़ गई थी, तो अब दोबारा से इन्होंने इन चीजों को जो ना पूछना और जो है ना इस चीज के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। सीन ये चल रहा है, जो लोग यहाँ पे विजिट पे आ रहे हैं, चाहे वो एक महीने के चाहे वो तीन महीने के विजिट पे आ रहे हैं, तो उनको ख्याल ये रखना है कि एक तो सबसे पहले अपना रिटर्न टिकट करके आना है, डमी टिकट करके मत आना, ठीक है, क्योंकि वो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर कर दूं शॉर्ट करके, जल्दी जल्दी आपको बता दूं, डमी टिकट नहीं होगा, रिटर्न टिकट होगा किसी भी एयरलाइन से आप आ रहे हैं। सेकंड थिंग, मास्क लगाना मत बोलना, मास्क लगा के ही आना, ठीक है, क्योंकि अब स्ट्रेट पूछेंगे नहीं कि मास्क किधर है, सीधा फाइन देंगे, ये लो 3,000 का फाइन एयरपोर्ट के ऊपर दे देंगे, तो बहुत एहतियात करना बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे आ रहे हैं, जब आप यहाँ पे आएंगे तो बेसिकली वो आपसे, आपने होटल बुकिंग करनी, होटल ऑब्वियसली बहुत महंगा होता है, सस्ते भी हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो सिंपली एक काम करना, जिसके पास भी आ रहे हो, कोई दोस्त है, कजन है, पप्पा है, चाचा है, ताया है, कोई भी है, ठीक है ना, उसका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अमूमन लोग देते नहीं है कि नहीं भाई हम क्यों बताएं हमारे घर का रेंट कितना है, समझ में आ रही ना, तो बोलना भाई सीधे आप अपनी एमिरेट्स आईडी की कॉपी दे दें, वो आपको व्हाट्सअप कर देगा, उसकी कॉपी निकाल के आप अपने पास रख लेना, ठीक है। और अगर पूछते हैं इमिग्रेशन में कि आप कहां जा रहे हो, तो बताना भाई ये मेरा इसके साथ ये रिलेशन है, इसके पास जा रहा हूं, ठीक है, उसका फोन नंबर भी अपने साथ रख लेना, ये चीज तो ये क्लियर कर दी, ठीक है। इसके अलावा जो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप क्यों जा रहे हो, क्या रीजन है आपके पास, आप यहाँ क्यों जा रहे हो, तो आप बता सकते हो विजिट के लिए जा रहा हूँ, विजिट करने के लिए जा रहा हूँ, घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ, ये रीजन है, जो भी सारी चीजें। अच्छा, ये सब बेसिकली क्यों हो रहा है, ये जॉब सीकर्स को एक तरीके से समझना डिस्करेज करने के लिए हो रहा है, क्योंकि एक नया वीजा मार्केट में आने वाला है जिसके अनाउंसमेंट पहले हो चुके हैं, जिसका नाम है जॉब सीकर वीजा। क्योंकि विजिट वीजे पे तो मैं आपको टेक्निकली बताऊं पहले भी अलाउड नहीं था जॉब ढूंढना, लेकिन दुनिया कर रही थी, मैं आपको सब बात बताऊं, दुनिया कर रही थी और अभी भी करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन इनका कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे अब जो लोग विजिट वीजे पे आते हैं ना, तो वो सिर्फ विजिट करें और अपने कंट्री को जाएं, लेकिन जो जॉब के हवाले से आते हैं वो स्पेशली जॉब सीकर वीजा लेके आए जब वो उसकी कार्रवाई डालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब जो है ना सख्ती इस हवाले से चल रही है। तो जो भी यहाँ पे आने की प्लानिंग कर रहा है, जो भी आ रहा है, इन तमाम पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख लेना यार, इन सबको मैं बहुत डिटेल में जाके बताऊं तो बहुत बोरिंग सा सीन हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको कंसाइज करके बता दिया। इन चीजों को आपने जो है अपने दिमाग में रखना और ट्रैवल कर लेना, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के, ठीक है। वीडियो को शेयर करें साथ साथ, ताकि लोगों का फायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखें।